जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद सर। आज हम लोग क्लास डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे कल के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो जैसा कि पहला प्रश्न हमको नज़र आ रहा है कि 417Z8 नौ से विभाज्य है, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो कि जेट की जगह पे आ सकता। तो मैं आपसे कहूँगा दोस्तों, सबसे पहले आपने 9 का रूल पढ़ा होगा कि सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, है ना। तो आप देखेंगे भाई, सबसे पहले 4 और 1 कितना होता है, 5, 5 और 7 होता है 12, 12 और 8 होता है 20, ये टोटल 20 बन गया। ठीक है, अगर हम ऑप्शन यहाँ 6 लगा लें तो 20 और 6 हमारे पास 26 हो जाएगा, जो कि 9 का भाग नहीं जाएगा। हम 7 लगा लेंगे तो 27 हो जाएगा और 9 का पहाड़ा इसमें चला जाएगा, 9 3 27, इसलिए आपका बी एक ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखेंगे हम 2 की पावर 50 है, 3 की पावर 40 है, 4 की पावर 30 है और 5 की पावर 20 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले तो 0 कट करेंगे। क्या करेंगे, 0 कट करेंगे। आप देखेंगे 2 की पावर 5 है, इसका मतलब होता है 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16 दुनी 32, इसका मतलब 32 लिखा हुआ है। 3 की पावर 4 का मतलब है 3 3 9 और 9 3 27 3 81। ठीक है, इसका मतलब है 4 4 16 4 64, इसका मतलब है 5 5 25। अब आप खुद आइडिया लगा सकते हो, यहाँ पर सबसे बड़ा जो मान है वो 3 की पावर 40 का मिला, इसलिए ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है, इस प्रश्न की बात करेंगे। कितना प्यारा क्वेश्चन है, लिखा है 1 से 1/2 प्लस 11 से 1/2 प्लस 111 से 1/2 और प्लस 1111 से 1/2 किसके बराबर है, ये आपको बताना। तो मैं आपसे क्या कहूँगा, सबसे पहले चीज़ आप सब में देखिए, यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं आप, देखिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताऊँ, वो तरीका ये है, आप यहाँ से आइडिया लगाइए कि क्वेश्चन में यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है ना, मतलब ये इसको आप अगर लिखेंगे तो आप 1 से ही 1/2 लिखेंगे ना, ऐसे इसको लिखेंगे 11 से ही 1/2 लिखेंगे, सही है। ऐसे इसको लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, 111 से ही 1/2, इसको भी यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1111 और 1/2। अब देखिए ध्यान से समझिए, 1/2 और 1/2 1/2 1/2, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 1 कितना हो गया, टोटल 2 हो गया, कितना हो गया, 2। ठीक है ना, अब इनको देख लेते हैं, 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 बन गया। ठीक है, 1 2 और 3, ये हमारे पास 3 बन गया, और ये हमारे पास देखेंगे 1 2, ये 2 बन गया और ये 1, तो 1234 में 2 जोड़ेंगे, 1236 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ऐसे ही हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है क्वेश्चन कि दो संख्याएँ 3:4 के अनुपात में, दो संख्याएँ 3:4 में है, उनके मात्रा तथा लाशा का गुणनफल इतना दे रखा है, संख्याओं का क्या बताना है आपको, योगफल बताना है, संख्याओं का योगफल बताना है। तो सबसे पहले चीज़ देखिए, दो संख्याएँ दे रखी हैं हमको, एक संख्या 3x है ना, और एक संख्या हमारे पास 4x है, ओके। तो उनके मात्रा तथा लाशा का गुणनफल, तो आपने पढ़ा है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लाशा गुणा मात्रा, और लाशा गुणा मात्रा हमको दे रखा है 20 28। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लाशा गुणा मात्रा, तो लाशा गुणा मात्रा का गुणनफल ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है, हम इसको सॉल्व करेंगे 4 से काटेंगे, 4 5 20 और 0 4 7 28। ठीक है, हम 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 1 3 बचेगा 2 20 हो गया, और 3 6 18 3 9 27, फिर से देखेंगे 3 1 3 बचा 2 3 6 18 2 3 9 27, तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 169, है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13, कितनी आ जाएगी, 13। ठीक है, आपको क्या कह रहा है, इन संख्याओं को युगफल बताओ, ये संख्या है कितनी, 3 और 4 7, तो 7 की गुणा कर देंगे हम लोग 13 से, और 13 7 कितना होता है, 13 7 होता है भाई 91, तो आपका डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो भी है उसके बारे में। क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, ये प्रश्न आपके सामने है, ये प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, इस प्रश्न की कहानी भी सुनते हैं कि कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 तथा लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक 6 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 432 है, यदि एक संख्या इतनी दे रखी है तो दूसरी संख्या बतानी है। आपने क्या पढ़ा है कि लाशा गुणा मासा, दो संख्याओं का मासा, मतलब आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, क्या पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला, देखिए आपने पढ़ा होगा कि मासा है ना, मासा गुणा लाशा बराबर
पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या, यही तो पढ़ा होगा आपने, यही फॉर्मूला पढ़ा होगा भाई, सही बात है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं भाई, हमें यहाँ पे दो संख्याओं का मासा 6 दे रखा है, लासा दे रखा है हमारे पास 432, ठीक, बराबर एक संख्या दे रखी है 48 और दूसरी संख्या हमें पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करके, हम लोग 6 एकम 6 और 6 अट्ठे 48, 8 से काटेंगे, 8 पंजे 40 होता है, 8 पंजे 40 होता है, बचा 3 और 8 चौक 32, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 54 आ गई, आपका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन को समझेंगे, कह रहा है 3 चौराहों की ट्रैफिक जो लाइट है क्रमशः, 3 चौराहे की जो ट्रैफिक लाइट है क्रमशः प्रत्येक 1 मिनट 75 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलती है, यदि वे एक साथ 7:50 AM पर बदलें तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगी। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप एलसीएम लीजिए, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पे हम ऑलरेडी 75 सेकंड दे रखा है और ऐसे ही हमें यहाँ पे दे रखा है 90 सेकंड, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे हम लोग, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, आराम से कट कर सकते हैं हम लोग, 15 से काट सकते हैं, 15 चौक 60, 15 पंजे 75 और 15 छक्के 90, ठीक है। हम लोग इसको 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 5 2 3 6, फिर 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 5 और 3, फिर 3 से कटेगा और फिर आपका 5 से कटेगा, ठीक है। तो 5 से 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 15 छक्का 90, टोटल हुए कितने सेकेंड, 900 सेकेंड हुए, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, कितने बजे एक साथ पहले 7:50 पर जली थी, अब एक साथ कब जलेंगी, तो आप इस सेकंड को बदल लीजिए 60 से भाग करके, 60 से भाग करेंगे आप तो ये आएगा 15 मिनट, कितना आएगा 15 मिनट, ठीक है। तो 15 मिनट और बढ़ा दीजिए, 7:50 में 15 मिनट जोड़ेंगे तो 8:05 हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। ऐसी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग दें और प्रत्येक दिशा में 9 से बचे। ऐसा भी बच्चों का भी प्रश्न हो तो आप लिया कीजिए एलसीएम, किसका, 12 का, 16 का, 24 का और 36 का। चलिए एलसीएम लेते हैं हम लोग, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 ठे 16 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसे काटेंगे इसको, ये 18 आएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, ठीक है, और 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 छंग 12 और 2 नीम 18। फिर हम लोग उसको 2 से ट्राई करेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये 9 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास 3 बचेगा, 9 बचेगा और 3 बचेगा। फिर 3 से कटेगा, ठीक है, फिर 3 से कटेगा आपके, फिर यहाँ पर देखेंगे, फिर आपका 3 से जाएगा, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 और 72 दूनी कितना होता है, 72 दूनी होता है आपका, 72 दूनी कितना होगा भाई, आप आराम से आइडिया लगा सकते हो, 72 दूनी, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 7 14, 144 हुआ। अब कह रहे हैं प्रत्येक दिशा में 9 शेष बचे, तो 9 शेष बचे तो 9 आप जोड़ लेंगे, 144 में 9 जोड़ेंगे तो 9 4 13 का 3 हासिल लगा 1 और ये आपका हो जाएगा 153। तो इसका सही आंसर होगा सी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं, कह रहा है रूट 91 है, रूट 70 है, उसके बाद भी रूट है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आप बैक साइड से सॉल्व कीजिए, 121 किसका वर्गमूल होता है, 11 का, किसका होगा 11 का, यहाँ से 11 मिलेगा, 11 70 में जोड़ोगे 81 हो जाएगा और 81 किसका वर्गमूल होगा 9 का, और 9 में आप 91 जोड़ोगे, 9 में 91 जोड़ोगे 100 हो जाएगा और 100 किसका वर्गमूल हो जाएगा 10 का, तो आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। ऐसे ही हम लोग देखेंगे अंतिम प्रश्न हमारा, इसी तरह का देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रूट बहत्तर, कितने बार रिपीट हो, इन्फिनिटी टाइम तक रिपीट हो। जब इन्फिनिटी टाइम तक रिपीट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, आप ऐसे में ऐसे फैक्टर करिए जिसमें केवल एक का गैप हो, कितने का गैप हो, केवल एक का। आपने कहा सर 8 नीम 72, तो हमेशा याद रखना अगर बीच में प्लस चल रहा है, तो बड़ा वाला आंसर होता, ठीक है। अगर बीच में माइनस चल रहा होता तो हमारा आंसर होता छोटा वाला, ठीक है। तुम्हारा यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 9। ऐसे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपके लिए,
बहुत ही सुंदर प्रश्न है और देखेंगे इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे। ये प्रश्न देखिए, 7+2√10 का वर्गमूल बताना है, इसमें से कौन सा सही है। तो हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे प्रश्न को हमेशा जो भी नंबर दिया है उसे तोड़ लीजिए। कैसे तोड़ेंगे, 7 को लिख सकते हैं आप, 5+2 क्या लिख सकते हैं, 5+2, और ये 2√10 दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास 2√10 है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि भाई ये बन गया a का स्क्वायर, ये बन गया b का स्क्वायर, और ये बन गया 2ab, क्या बन गया 2ab, और ये फॉर्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, a+b का होल स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर √5 और +√2 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। चूंकि हमें वर्गमूल चाहिए तो वर्गमूल जब लेंगे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास √5 +√2 बचेगा। ठीक है, ऐसे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि m और n दो धन पूर्णांक है, यदि m की पावर n 25 हो तो n की पावर m का मान कितना होगा। देखिए भाई, m की पावर n की बात कर रहा है तो आप इसको समझ सकते हैं कि इसका मतलब है 5 की पावर 2, इसका मतलब है कि 5 की पावर 2 की बात कर रहा है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, भाई इसको हम लिख सकते हैं कि 5 की पावर 2, क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, तभी तो मिलेगा 25। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये m की वैल्यू हो गई और ये वाली वैल्यू किसकी हो गई, n की। अब कह रहे n की पावर m बताइए, तो 2 की पावर आपको m का मतलब 5 कर देना है, तो 2 × 4 × 8 × 16 × 32, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर देखो आपको दे रखा है साफ साफ, मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, इस तरह से ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में यह आपका ए है, यह आपका बी है और यह आपका सी है, और आउटर जो एंगल है वो आपका 105 डिग्री है। आपको बताना है कि ये जो यहाँ पर ये एंगल है ये कितना होगा, यहाँ पे ऑलरेडी 75 दे रखा है। ठीक है, बाई मिस्टेक देखिए, आपने पढ़ा है कि ये पूरा सप्लीमेंट्री एंगल होता है और सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है 180 का होता है, तो 180 में से 105 घटाएंगे कितना मिलेगा, आपका मिलेगा 75। ठीक है, हमेशा याद रखिए ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो आप यहाँ पर जो भी नंबर है उसे 180 से लेस करके अंदर वाला एंगल निकाल सकते हैं, तो इसीलिए आपका यहाँ पर जो आंसर है वो कितना है, 75, कितना है, 75। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि कह रहा है कि यहाँ पर समझते हैं कि PQR, हमें यहाँ पर एंगल P दे रखा है, भाई देखिए हमें यहाँ पर एंगल जो P है वो हमको दे रखा है 24 डिग्री, और एंगल Q जो है वो हमको दे रखा है 70 डिग्री। ठीक है, हमसे पूछ रहा है एंगल R क्या होगा, एंगल R क्या होगा, तो एंगल R पूछ रहा है, तो सबसे पहले चीज़ तो आपने पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी कि भाई किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो कितना होता है, वो 180 होता है, कितना होता है, 180। आप इनको जोड़ेंगे तो आप जोड़ेंगे तो 70 और 24 कितना होगा, 70 और 24 आपका होता है 94, कितना होता है 94। आप 180 को जब 94 से कम करेंगे तो 10 में से 4 कम करेंगे 6, और यहाँ पे 17 में से 9 कम करेंगे तो 8, इसका मतलब ये एंगल 86 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 86 डिग्री हो जाएगा। आपसे अगर बाहर वाला एंगल पूछा गया, आपको पता है ये पूरा सप्लीमेंट्री एंगल होता है ना, पूरा सप्लीमेंट्री एंगल होगा, इसका मतलब 180 में से आप 86 लेस करेंगे, 10 में से 6 घटाएंगे 4 बचेगा, और यहाँ पर आप 17 में से 8 घटाएंगे तो 7 बचेगा, मतलब सॉरी 8 बचेगा। देखिए आप 10 में से 6 कम करेंगे, 10 में से 6 कम करेंगे 4 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 7, 17 में से 8 कम करेंगे तो 9 बचेगा, कितना बचेगा 9, आपका आंसर हो जाएगा 94, कितना हो जाएगा 94। ऐसे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आपके नज़र आपके सामने है, और ये प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है ये प्रश्न, इस प्रश्न की भाषा को समझते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है, कह रहा है भाई समझिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी बताइए। तो ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ये कह रहा है एक वृत्त है, ठीक है, जिसकी जीवा की लंबाई 16 है, मतलब ये वाली जो दूरी है ये 16 है, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है 16, आप याद रखेंगे यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी कितनी है 16 है, और कह रहा है वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करनी है, ये केंद्र है, क्या है, केंद्र, ठीक है, ये क्या है भाई, केंद्र है। तो ध्यान से समझेंगे, मैं इसको दोबारा समझाता हूँ,
ये दूरी बतानी है आपको, और ये आपको त्रिज्या के बारे में नॉलेज दे रखी है। कितनी दे रखी है? कह रहा कि जीवा की जो लंबाई है 16 है, और केंद्र से जीवा की दूरी बतानी है आपको। केंद्र से क्या बतानी है? जीवा की दूरी। और यहाँ पे त्रिज्या कितनी दे रखी है? 10। त्रिज्या का मतलब ये वाली आपको 10 दे रखी है। तो मुझे बताओ, जब यहाँ से यहाँ तक 6 है, 16 है, तो ये 8 हो जाएगी इतनी दूरी, और इतनी दूरी 8 हो जाएगी, है ना। अब आपने पढ़ा होगा ये कड़ बन रहा है। क्या बन रहा है? कड़, हाइपोटेनस बन रहा है ना। और ये क्या बन रहा है? आपका आधार बन रहा है। आपने पढ़ा होगा कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? लंब के स्क्वायर को। तो 10 दाई 100 और 64, 100 में से 64 कम करोगे 36 बचेगा, और 36 का वर्गमूल होता है 6, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि पी अनुपात क्यू जो है वो 5:8 है, क्यू अनुपात आर जो है 12:7 है, आर अनुपात एस जो है वो 14:15 है, तो पी अनुपात एस बताना। तो ऐसे प्रश्न में मैंने आपसे हमेशा कहा कि आप हमेशा मल्टीप्लाई कर दीजिए पी अपॉन क्यू की क्यू अपॉन आर से, और यहाँ पर हमारे पास आर अपॉन एस है। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर नंबर क्या है? 5/8। हमारे पास नंबर क्या है? 12/7। और हमारे पास नंबर क्या है यहाँ पर? 14/15। हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 3 15। ठीक है, हम लोग आराम से इसको कट करेंगे, 7 1 7, 7 2 14, 2 से काटेंगे, 2 4 8, 4 से काटेंगे, 4 3 12, और 3 से कट जाएगा 3, कुछ नहीं बचेगा, 1/1 बचेगा, इसलिए आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 1:1। क्या आंसर हो जाएगा? 1:1। ठीक है, ऐसे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका एक प्रश्न है, कह रहा है कि 10/6 की दर से केले खरीदने पर 6/4 की दर से बेचने पर कितने परसेंट की हानि होगी। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो भी रुपए हैं आप ऊपर लगाएंगे और वस्तु लगाएंगे नीचे। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे रुपए हमारे पास कितने हैं? 6, और वस्तु कितनी है? वस्तु हमारे पास 4 है। तो आप देखिए 6/4 का एलसीएम कितना आएगा? 24। 6/4 का एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 24 से इधर मल्टीप्लाई और 24 से इधर मल्टीप्लाई। 6 × 24 होता है, और 4 × 24 होता है। तो 10 × 40 की खरीदी और 6 × 36 की बेची, है ना। ये सीपी है आपका, और ये आपका क्या है? एसपी। मतलब 40 की आपने क्या करी है? खरीदी है, और 36 की बेच रहे हो। कितने का नुकसान हो रहा है? 4 का। किस कितने का? 4 का। किस पर? 40 पर। और गुणा करेंगे 100। तो 4 × 4, 4 × 40 होता है, 0 से 0 कट गया। आपका आंसर हो जाएगा 10%। कितना हो जाएगा? 10%। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप समझ सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मोहन ने एक कार जो है 2,50,000 में खरीदी और 3,48,000 में बेच दी, उसे कार के रुपये कितने रुपये पर परसेंट फ़ायदा हुआ। अब मुझे बताइए, 2.5 लाख की खरीदी है, 3,48,000 की बेची है, 3,48,000 की बेची है, इसका मतलब है सीधा सीधा फ़ायदा देख सकते हो आप कितने का है ना भाई। 50 और 48, इसका मतलब 98,000 का फ़ायदा कर रहा है वो। कितने का फ़ायदा कर रहा है? 98,000 का। जब 98,000 का फ़ायदा कर रहा है, ठीक है, 98,000 का फ़ायदा कर रहा है, कितने पर? 2,50,000 पर। 2,50,000 पर। और गुणा करेंगे हम लोग 100। ठीक है, जो भी प्रॉफिट होता है ऊपर लगाते हैं, और जो भी आपके पास सीपी होता है नीचे लगाते हैं, करते हैं इंटू 100। 1, 2, 3। तो हम लोग 3 से 3 0 कट कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट कर देंगे। ठीक है, हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 5×5 25 होता है, और 5 × 2 = 10 होता है। हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 8 = 16, और 2 × 9 = 18, और 1 = 19। हम 5 से भाग करेंगे तो 5 × 3 = 15, 4 × 40 हो गया, 5 × 9 = 45, और 5 × 2 = 10, 39.2 हमारे पास आंसर है बी। ठीक है, ऐसी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, आपके पास आंसर ये रहा, क्वेश्चन आपके पास अभी ये सॉल्व किया था हम लोगों ने, ये रहा मूलधन साधारण ब्याज की दर वाला। कह रहा एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपने का दोगुना हो जाता है, ब्याज की दर बतानी है। अब भाई मान लो पहले मूलधन था 100 रुपये, कितना था? 100 रुपये, और कितने 10 वर्षों में कितना हो गया? कितना हो गया? दोगुना हो गया, मतलब अमाउंट हो गया दोगुना। तो मुझे बताओ भाई, मूलधन 100 रुपये था, 200 रुपये मिश्रधन हो गया, इसका मतलब ब्याज कितना हुआ? ब्याज हो गया 100 रुपये का। कितने का? 100 रुपये का। मैंने आपको ब्याज का कॉन्सेप्ट बताया था, आरटी रेशियो। क्या बताया था? आरटी रेशियो। ठीक है, ऐसे केस में जब हमने पी 100 माना होता है तो रेशियो का मान 1 होता है बच्चों। कितना होता है? 1। यहाँ पे हमें आर की वैल्यू पता नहीं है, टाइम दे रखा है 10, और यहाँ पर रेशियो कितना है? 1।
लगाएंगे मल्टीप्लाई, तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो से कट कर देंगे जीरो, और हमारे पास बचेगा 10%। क्या बचेगा? 10%। ये हमारा हो गया ऑप्शन ए। ठीक, ऐसी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, और इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे आपसे लास्ट ईयर 2021 में, 21 मार्च 2021 में क्वेश्चन था। ठीक है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही कि भाई बहुलक बराबर क्या होता है, बताया था मैंने, बताया था कि जो बहुलक है, बहुलक बराबर तीन गुणा माध्यिका माइनस दो गुणा माध्य। मैंने आपको पढ़ाया था तीन गुणा माध्यिका माइनस दो गुणा माध्य। ठीक है, अब आप देखेंगे माध्य आपको दे रखा है 20, तो आप क्या करेंगे, माध्य दे रखा है 20, बहुलक दे रखा है 18, माध्यिका पता नहीं है, तो हमने बोला तीन गुणा माध्यिका, माध्यिका को हम x लिख ले रहे हैं, क्या लिख ले रहे हैं, x, और दो गुणा माध्य कितना है हमारे पास, माध्य है 20, बहुलक कितना है, बहुलक है हमारे पास 18। ठीक है, हम लोग सॉल्व करेंगे भाई, 20 दूनी 40 होता है, 20 दूनी 40, और 40 को उधर ले जाएंगे, जब 40 को उधर ले जाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 58। कितना हो जाएगा, देखिए 20 दूनी 40 हो गया, माध्य देखिए आपके पास 20 है ना, तो 20 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, 20 दूनी 40 हो गया, और जब इस 40 को आप इधर लेके आएंगे, तो 40 को जब इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 58 बराबर 3x। ठीक है, अब आप भाग करेंगे, 3 एकम 3 बचा, 2 3 निम 27 एक बचा होगा, फिर 3 3 9 19.333 समथिंग आएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पाई चार्ट का, और पाई चार्ट से देख रहे होंगे आप खूब सारे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो पाई चार्ट के क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे दिए गए पाई आरेख में एक घर के निर्माण के खर्च को दर्शाया गया है, यदि घर के निर्माण का कुल खर्च जो है वो 15 लाख है, तो मजदूरी खर्च बताइए। भाई मजदूरी देखेंगे, मजदूरी हमारे पास 90 डिग्री की है, तो 90 डिग्री डिग्री होगा बट्टे में 360 आएगा, और डिग्री होगा बट्टे में 360 आएगा, और परसेंट होगा, हमेशा याद रखना, डिग्री होगा तो बट्टे में 360 आएगा, और परसेंट होगा तो बट्टे में 100 आएगा। ठीक है, कितना अमाउंट है, 15 लाख। कितना है, 15 लाख, तो हम लोग 15 लाख लिखेंगे। अब सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, भाई 9 चौक 36 होता है, और 4 से हम इसको काटेंगे, भाई 4 3 12 और बचा कितना, बचा 3 4 7 28 4 3 12 बचा 3 30 हो गया, 4 7 28 बचा 2 4 5 20 हो गया, और ये आपके पास 3 0 मतलब 3,75,000। कितना आंसर सही होगा इसका, 3,75,000। ठीक है, ये रहा आपका डी ऑप्शन। तो अब हम लोग ऐसी बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर एक और पाई चार्ट का है, और इस पाई चार्ट को देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। किसी परिवार का मासिक व्यय निम्न चित्र के अनुसार दे रखा, ठीक है, निम्न चित्र के अनुसार दे रखा है, देखिए मकान किराया दे रखा है, शिक्षा दे रखा है, भोजन दे रखा है, यात्रा दे रखा है, बचत दे रखी है। सवाल यह है कि हमें दिया तो सब है, लेकिन क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा है ना, तो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है, कह रहे यदि शिक्षा तथा यात्रा, यदि शिक्षा तथा यात्रा का खर्च का अंतर जो है वो 4,000 है, शिक्षा का और यात्रा का जो अंतर है, तो आप देखेंगे शिक्षा 25% है, शिक्षा 25% है, यात्रा 15% है, और दोनों का डिफरेंस हो गया 10%, और इसका अमाउंट कितना दे रखा है, 4,000। कितना, 4,000। अब 1 0 से 1 0 कट करेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी मिल गई, 1% की वैल्यू 400 मिल गई, तो कह रहा कुल आय कितनी होती है, हमेशा परसेंट वाले पाई चार्ट में 100 होती है, तो 400 की आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप जानते हैं कि आपके पास 4 और 4 0 मतलब 40,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखेंगे, यदि टेन थीटा बराबर 12/13 है, तो 2 sin theta cos theta अपॉन cos square theta माइनस sin square theta की वैल्यू बताएंगे हम लोग। ठीक है, तो आपसे मैं क्या कहूँगा, आपने पढ़ा होगा टेन थीटा को हम लिखते हैं sin theta बटे cos theta, क्या लिखते हैं, sin theta बटे cos theta, और हमें दे रखा है 12/13। इसका मतलब है sin जहाँ है वहाँ 12 लगाओ, जहाँ cos है वहाँ 13 लगाओ। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 और sin की जगह पे लगाएंगे 12 गुणा cos की जगह पे लगाएंगे 13। ठीक है, बटे में cos square theta माइनस sin square theta, तो cos की वैल्यू लगाएंगे 13 का स्क्वायर, और यहाँ पर sin की वैल्यू लगाएंगे 12 का स्क्वायर। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 गुणा 12 गुणा 13 और बटे में 13 13 169 होता है, और 12 12 144 होता है। ठीक है, अब हम इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, ये लिखा है 2 गुणा 12 गुणा 13 बटे में 9 में से 4 कम करोगे 5 और 16 में से 14 कम करोगे 2 25 आ गया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं हमारे पास 12 दून 24 और 24 की गुणा 13 से करेंगे, नीचे 25 आ चुका है, 13 चौका 52 के 2 हासिल लगा 5, 13 दून 26 26 और 5 होता है 31, तो 312/25 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन और भी है, देखेंगे ये भी ट्रिग्नोमेट्री से ही है। तो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कॉसिक थीटा का मान दे रखा है और टेन थीटा का मान पूछा। आपने पढ़ा होगा बच्चों लाल बटे कक्का, क्या पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का।
ये साइन को बताता है, ये कॉस को बताता है और ये टेन को बताता है। ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? टेन को। जब उसको उल्टा कर देते हैं, कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल, तो यहाँ पर ये आपका कॉसिक हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉसिक। ये आपका सेक हो जाता है और ये आपका कॉट हो जाता है। ठीक है, आपको कॉसिक दे रखा है। क्या दे रखा है? कॉसिक। तो आपने पढ़ा है आपको कॉसिक दे रखा है, और कॉसिक का मतलब है होता है कड़ बटे लंप। इसका मतलब ये हो गया कड़, ये हो गया कड़ और ये हो गया आपका लंप। आपको आधार निकालना है। तो भाई 25-25 हम 625 होता है, ठीक है, और 7-7 49 होता है। जब इसको आप लेस करेंगे, लेस करेंगे भाई 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, और यहाँ पर भाई 11 में से 4 जाएगा, 7 बचेगा, 576। और 576 किसका वर्गमूल होता है? 24 का होता है। किसका? 24 का। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 24, ठीक है। और 10 निकालना है ना, तो 10 के लिए आप लंब बटे आधार लगाओगे। लंब आ गया आपके पास, लंब आ गया आपके पास 7, और आधार आपके पास आ गया 24। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 7/24, मतलब बी ऑप्शन। ठीक है, ऐसी बात करेंगे हम लोग। हमारे पास बस एक दो प्रश्न और बचा है, फिर इसके बाद हमारी क्लास जो है ओवर होने को है। करें, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है हमें, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, परिमाप इतना दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल बताना है। तो समझेंगे, हमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, एक दिया 2x और एक दिया 1x। कितना दिया? 2x और 1x, ठीक है। एक हमें ये लंबाई दे रखी है, हमें एक चौड़ाई दे रखी है, तो परिमाप के भाई दे रखा है। आपको पता है परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l प्लस b, और दिया कितना है? 60। तो 2 भाई 2x और 1x 3x हो गया, तो यहाँ पर लगा दोगे 3x बराबर 60। भाई 2×3 6 और 6×2 60, मतलब x की वैल्यू 10 आ चुकी है। x की वैल्यू जब 10 आ गई, इसका मतलब 10×2 20, आपकी लंबाई 20 हो गई, और 10×1 10, चौड़ाई आपकी 10 हो गई। आपसे एरिया पूछा है, एरिया हम क्या करते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 20×10 करेंगे तो 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 वर्ग सेंटीमीटर, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ऐसे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास अगला जो अंतिम प्रश्न है आज का, वो अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है? आज का अंतिम प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि एक वृत्त की परिधि जो है वो 44 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं कि परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और हमें दे रखा है 44, ठीक है। तो हम करेंगे 2×22/7, और रेडियस देखेंगे। रेडियस हमारे पास पता नहीं है, निकालना है, बराबर 44। भाई 22×44 कट गया, तो रेडियस आ गई 7। क्या पूछ रहा है? तो उसका क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr² क्या होता है? πr² तो पाई का मतलब होता है 22/7, आर का स्क्वायर का मतलब है 7×7। एक साथ से एक साथ कैंसिल, भाई हम उसको सॉल्व करेंगे, 7×2 14 7×2 14 और 1×15 154 आपका जो है वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सबके लिए मैंने एक क्लास पूरी कंप्लीट कर दी है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है जी लगाकर रिवीजन करिए, और कल का एग्जाम बहुत बढ़िया तरीके से देकर आइए। मेरी शुभकामनाएं और सुपर स्काई क्लासेस की शुभकामनाएं आपके तरफ है, आपके साथ हैं। जय हिंद, जय